हाँ, पर ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये है दिशाएं हैं, तो ये उत्तर दिशा है दोस्तों, ये दक्षिण दिशा है दोस्तों, ये पूरब दिशा है, और ये कौन सी है, ये पश्चिम दिशा है दोस्तों। ओके, और इसी को नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, और इसको वेस्ट बोलते हैं। इन दिशाओं को ध्यान रखना है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, और इसको दो भागों में बांट देते हैं, जिसको 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बोल देते हैं। और ऊपर है ना दोस्तों, ये 90 डिग्री पर है, और एक नीचे भी 90 डिग्री पर है दोस्तों। ओके, तो जो अक्षांश रेखा होती है दोस्तों, यहाँ से अगर कोई पूछे कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, तो आपको सिंपली बोलना है समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और इसी तरह अगर पूछा जाए कि देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर अब ठीक है। तो दोस्तों ये जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अगर पूछे कोई देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाने वाली रेखा को देशांतरीय रेखा कहते हैं दोस्तों। ओके, क्या कहते हैं, देशांतरीय रेखा कहते हैं। ओके, ये क्या हो गया, ये देशांतर हो गई और ये अक्षांशीय रेखाएं हो गई। और दोस्तों दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबंध बोलते हैं। जो दो अक्षांशीय रेखाएं होती है ना, इसके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध। ओके, इसी तरह जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, इसके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गौर बोलते हैं दोस्तों। ओके, और इसी तरह अगर पूछा जाए दोस्तों कि हमारी पृथ्वी पर कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं, तो अगर हम अपनी जो पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखाएं हैं ना, वो अनंत हो सकती हैं, मतलब उनको गिना नहीं जा सकता है, कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए 1 डिग्री के अंतराल पर, लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री के अंतराल पर कि अक्षांशीय रेखाएं कितनी होंगी, तो दोस्तों ये 0 डिग्री है, इससे इधर जाएंगे तो 90 इधर होंगी, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचेंगे, और 90 इधर होंगी दोस्तों। ओके, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, ये देखिए इधर 90 इधर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 90, और प्लस एक जीरो वाली है दोस्तों, जो एक जीरो वाली है ना, एक है, तो प्लस एक और 90 उत्तर दिशा में, 90 और होंगी। ओके, तो टोटल 1 डिग्री के अंतराल पर अगर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, तो कितनी होंगी, 181 दोस्तों। ओके, कितनी होंगी, 181 होंगी। लेकिन बहुत से दोस्तों इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी रहता है, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो जो 90 डिग्री पर जो भी अक्षांशीय रेखा है, ये रेखा नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट है सिर्फ। ओके, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये 179 अगर इसमें से इस तरह अगर 90 90 को हटा देंगे, तो कितनी हो जाएंगी, 179 हो जाएंगे दोस्तों। ओके, इसी तरह दोस्तों एक और भी लोग कहते हैं, जैसे कि कुछ भूगोल शास्त्री हैं, वो कहते हैं कि जो 0 डिग्री की रेखा है ना, ये कोई अक्षांशीय रेखा नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक आधार रेखा है। तो आधार रेखा इसे बोलो क्या, अक्षांश रेखा नहीं मानते हैं दोस्तों। ओके, अक्षांश रेखा इसको नहीं मानते, इसको आधार रेखा मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हम 181 में से फिर एक काम कर देंगे, तो कितनी बची दोस्तों, 180। लेकिन दोस्तों आपको कौन सी लगाना है, मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न मिलेगा। अगर 181 दोस्तों दिया रखा है, तो आपको 181 लगाना है। लेकिन बाई चांस अगर ऑप्शन में 181 नहीं दिया रखा है, अगर 180 दिया रखा है, तो आपको 181 लगाना है। लेकिन 180 और 181 दोनों दिया रखा है ना दोस्तों, तो आपको 181 वाला ही टिक करना है दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि जो दो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ये देखिए कैसे, ये देखिए सारी जो रेखाएं होंगी ना, वो समान समानांतर होंगी, इनकी जो बीच की दूरी होगी ना, वो समान रहेगी। लेकिन आप देखिए, अगर हम जो नॉर्थ के इधर जाएं या साउथ के इधर जाएं, तो इनकी देखिए इनकी दूरी है ना, वो दोस्तों कम होती जा रही है। देखिए ये थोड़ी कम है, और जो इक्वेटर के पास में है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी क्या रहती है, समान रहती है, बीच की दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है दोस्तों। ओके, लेकिन क्या होता है, इनकी जो जो इनकी लंबाई होती है,
अक्षांश रेखाओं की लंबाई होती है ये ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, कम होती जाती है दोस्तों, क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी लंबाई दोस्तों, इनकी लंबाई समान रहती है, इसके साथ में अपोजिट होता है, सॉरी, इनकी जो लंबाई होती है दोस्तों वो क्या रहती है, वो बराबर रहती है। ये देखिए सारी देशांतर रेखाएं हैं, सभी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही हैं, तो सभी की लंबाई समान होगी, तो ये क्या होंगी, बराबर होंगी दोस्तों। लेकिन इनकी जो दोस्तों बीच की दूरी है, देखिए इक्वेटर के पास में यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, और सभी जा कर के एक पॉइंट पे जा कर के मिल जाती हैं, तो यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी में कमी आती है। तो अगर पूछा जाए कि बीच की दूरी में देशांतर रेखाओं में तो क्या होती है, कमी आती है, और ध्रुवों के पास में आकर के सभी देशांतर रेखाएँ एक जगह पर मिल जाती हैं दोस्तों, और ध्रुवों के पास में ही देशांतर रेखाओं को, सॉरी इक्वेटर के पास में ही ध्रुव जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी दूरी सबसे अधिक होती है, कितनी होती है दोस्तों, लगभग में 111 किलोमीटर के पास में होती है दोस्तों, ओके। और जो देशांतर रेखाएं इनके बीच की दूरी तो समान रहती है, और इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर हर जगह, ओके। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर हैं तब दोस्तों, ओके, कब 1 डिग्री के अंतराल पर होंगी तब, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम जब पढ़ेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि जो अक्षांश रेखाएं इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं वो भी यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ। जो अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों और देशांतर रेखाएं, इन दोनों को पढ़ने से हम क्या जान सकते हैं, नंबर एक लोकेशन, जो दोस्तों हम जीपीएस का यूज़ करते हैं आज, वो जीपीएस इसी देशांतर और अक्षांश पर ही बेस हैं, इससे हम किसी भी पृथ्वी पर किसी भी जगह की सटीक जो लोकेशन है वो पता कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी स्थान का अक्षांश और देशांतर पता है तो हम लोकेशन को पता कर सकते हैं। और जो अक्षांश होते हैं दोस्तों ये क्या, ये जलवायु का निर्धारण करते हैं, ओके, जो जलवायु है उसका निर्धारण करते हैं, और देशांतर रेखाएँ किसका, समय का, ओके। देशांतर रेखाओं का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये समय का निर्धारण करती है। जैसे हम जानते हैं कि कहीं पर दिन है तो पृथ्वी पर कोई ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पर रात भी होगी, ओके, कहीं पर सुबह है तो कहीं पर शाम भी होगी दोस्तों, ओके। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, वो समय का निर्धारण करती हैं, टाइम का निर्धारण करती हैं, और जो अक्षांश रेखाएँ हैं दोस्तों वो क्या करती हैं, वो जलवायु का निर्धारण करती हैं। और जो अक्षांश और देशांतर रेखाएँ होती हैं अगर ये हमें पता हो तो इससे हम लोकेशन पता कर सकते हैं किसी भी स्थान की, और जीपीएस इसी अक्षांश और देशांतर पर काम करता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे ये क्या है, ये अक्षांश है, यहाँ पर ये ताप पेटी, दाब पेटी, और इसी तरह ये जो कटिबंध होते हैं उनका निर्धारण करते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और बीच में क्या है, ये 0 डिग्री है दोस्तों, ओके, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, और इसमें यहाँ पर कितना है, 23 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है, देखिए 23 डिग्री की एक क्या है, अक्षांशीय रेखा है ये, और इसी तरह दक्षिण में भी एक 23 डिग्री की अक्षांशीय रेखा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 23 डिग्री पर ही क्यों खींची गई, हम 21 डिग्री पर, 22 डिग्री पर या 25 डिग्री पर क्यों नहीं खींचा गया, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सूरज है ना, सूरज जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है सूरज का, तो वो अधिकतम यहीं तक जाता है, यानी कि इसके ऊपर नहीं जाता है दोस्तों, ओके, वो यहाँ ही तक सूरज आता है, ये सूरज है मान लेते हैं, तो सूरज यहाँ ही तक मैक्सिमम आता है, तो इसकी जो किरणें होती हैं यहाँ ही तक सिर्फ लंबवत पड़ती हैं इस रीजन में, और इस रीजन पे क्या पड़ती हैं, तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए इसको 23 डिग्री की रेखा यहाँ पर ली गई है। और जो जो उत्तरी दिशा में जो भी 23 डिग्री की, जो 23.5 डिग्री की रेखा है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री की जो रेखा है अक्षांशीय रेखा, इसी अक्षांशीय रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं दोस्तों। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, और जो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा ये कहाँ है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी तरह दोस्तों देखिए, और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर कैसे हम कटिबंध का निर्धारण करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो ए वाला रीजन है ना दोस्तों,
इसको उष्णकटिबंध बोलते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई रहता है, ओके। और यहाँ पर वर्षा भी सबसे ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और दोस्तों ये वाला रीज़न है ना, ये वाला रीज़न है, इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। लेकिन ये उत्तर में इसलिए इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, और ये दक्षिण में इसलिए इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और दोस्तों ये वाला जो रीज़न बचा हुआ है, ये वाला, इसको शीत कटिबंध बोलते हैं दोस्तों, ओके। ये तीन रीज़न है अभी आपको पढ़ने हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन होगा जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आप नाइन्थ और इंटर की जो बुक्स पढ़ेंगे ना, उसमें काफ़ी डीप में आपको पढ़ना होगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये सिक्स क्लास के तो काफ़ी बेसिक है, इसमें ज़्यादा नहीं दिया रखा है, तो आपको इसी तरह पढ़ना है। अब यहाँ पर बात आती है कि दोस्तों अभी, हाँ दोस्तों मैंने एक बात आपको बता दी थी कि अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी अगर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाएंगी, तो 181 होंगी। लेकिन इसी तरह देशांतर रेखाएं कितनी होंगी वो भी मैं आपको अब बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैंने जैसे बताया था, और जो दोस्तों 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इसको प्रमुख यमुनोत्तर माना जाता है, मतलब यही टाइम का निर्धारण करती है। इसके इधर क्या होता है कि जैसे ही सूरज इसको पार करता है ना, तो दूसरा दिन लग जाता है, सेकेंड डे लग जाता है दोस्तों, ओके। तो अगर पूछा जा सकता है कि प्रमुख यमुनोत्तर देशांतर कौन सा है, तो 0 डिग्री आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए नीचे यहाँ पर मैप दिया रखा है, इससे आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए ये जो ये वाली लाइन है दोस्तों, ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और इससे क्या किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। और भारत में कौन सी है? 82 सही 1/2, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है दोस्तों, ओके। तो ये इसी से क्या किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। अब बात आती है देशांतर रेखाएं कितनी है। अब 0 तो एक ए हो गई, और इस तरफ हम जाएंगे तो कितनी है? 180 दोस्तों, ओके। इधर कितनी है? 180, ओके। और इधर भी कितनी है? 180, ओके। तो टोटल कितनी हो गई? 180। और दोस्तों ये 180 और 180 ये दोनों कॉमन है, क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हमने इसे किस पे बनाया है? एक चार्ट पे बनाया है, ओके। जब हम इसको ऐसे रोल करेंगे तो जो 180 वाली है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये अलग अलग नहीं है, ऐसा मत समझना दोस्तों, ये अलग अलग है। और जो 0 डिग्री के इधर वाला रीजन है ना दोस्तों, इसको पूर्वी भाग बोलते हैं, और इस रीजन को क्या बोलते हैं? पश्चिमी भाग बोलते हैं। इसीलिए इन देशों को पश्चिमी देश भी बोलते हैं दोस्तों, ओके। और इनको पूर्वी देश भी बोलते हैं दोस्तों, ओके। तो अब पूछा जाए कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाएं कितनी होंगी, तो 1 डिग्री के अंतराल पर अगर देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची जाएं, तो 360 होंगी। अब 360 कैसे होंगी? 10 ए हो गया दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ, 180 इधर, और प्लस 1 ए हो गया 0 डिग्री वाला, और प्लस 180 इधर है। लेकिन दोस्तों हमने इधर 180 काउंट कर लिया ना, क्योंकि ये सेम है, तो यहाँ पर एक हमको क्या लेना होगा? कम लेना होगा, ओके। तो कितना हो गया टोटल? 360, ओके। अगर ए तो पूछा जाए 1 डिग्री के अंतराल पर अगर देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची जाती हैं, तो कितनी होंगी? 360 होंगी दोस्तों, ओके। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया रखा है। अगर देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि भारत की जो समय का निर्धारण किया जाता है, वो 82 सही 1/2 से किया जाता है, ओके। 82 सही 1/2 से किया जाता है। और ये जो नैनी है इलाहाबाद के, वहाँ से गुजरती है दोस्तों। एक मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि आपको मैप में देखना है इसको, आपको दोस्तों बताना है कि जो हमारी जो 82 सही 1/2 रेखा है, हमारी जो समय की रेखा है, वो किन किन स्टेजों से किन किन राज्यों से गुजरती है, वो आपको बताना है। मध्य प्रदेश से गुजरती है कि नहीं, MP से गुजरती है कि नहीं, ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को आपको लिखना होगा, जैसे कि प्रमुख यमुनोत्तर कौन सी है, जैसे हमने बात की थी कि 0 डिग्री है, शीत कटिबंध है, तो जो शीत कटिबंध किसके नज़दीक है? तो ध्रुवों के नज़दीक है। सॉरी दोस्तों ये तो आपको ही बताना है, मैं इसके आंसर कल दूंगा, आज दे रहा हूँ मैं, तो इन सारे के आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप खुद लिख लीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं बता दूंगा दोस्तों, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी की गतियाँ। इसमें बताया गया है पृथ्वी की कितनी गतियाँ, एक बताया गया है कि हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन कर रही है, मतलब हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या कर रही है? ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो पहली गति तो पृथ्वी की ए हो गई,
और पृथ्वी की दूसरी गति कौन सी है, वो सूर्य के भी चारों ओर, जैसे मान लेते हैं सूर्य है और इसके चारों ओर भी हमारी जो पृथ्वी है वो क्या क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी की समांतर दो तरह की गतियां हैं, लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा जो सौरमंडल है ना ये भी मिल्की वे पर घूम रहा है, लेकिन अभी हम इसमें दो ही पढ़ेंगे, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। ओके, जिसमें यही बताया गया कि हमारी जो जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरह से घूम रही है, घूर्णन पर अपने अक्ष पर कितनी टिल्टेड है, तो ये 23 सही 1/2 पर टिल्टेड है, और इसी तरह जो हमारा जो परिक्रमण है पृथ्वी का वो कितना है, 66 सही 1/2 डिग्री पर वो घूम रही है, यानी कि झुकी हुई है दोस्तों। ओके, वही इसमें बताया गया, ये देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है दोस्तों। ओके, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया रखा है दोस्तों, और जो हमारा पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो 66 सही, यहाँ पर मान लेते हैं अगर सूरज है तो वो कितना है, 66 सही 1/2 पर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वो कितनी डिग्री पर टिल्टेड है, तो आपको वो बताना पड़ेगा दोस्तों। ओके, इसी तरह जो हमारा दोस्तों दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक होती है दोस्तों पृथ्वी का जो अक्ष पर झुकाव, और दूसरा जो हमारा एक उत्तरी ध्रुव है, इसी तरह हमारा एक चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव हमारा दूसरा है और ये जो ये उत्तरी ध्रुव है ना ये हमारा दूसरा है दोस्तों, इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा चुंबकीय ध्रुव है वो अलग है, वो 23 से ही 1/2 पर नहीं झुका हुआ है, वो अलग पर झुका हुआ है, वो हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। ओके, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये परिक्रमण कर रही है किसके, सूर्य के चारों ओर। ओके, और कौन से पथ पर कर रही है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर इस परिक्रमण कर रही है। तो पूछा जा सकता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका परिक्रमण पथ कैसा है, तो कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है दोस्तों। ओके, दीर्घ वृत्ताकार है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि इस वाले जो पोजीशन है दोस्तों, इन पोजीशन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस बसंत ऋतु है और इसको विषुव बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। जब दोस्तों इस पोजीशन में जब हमारी पृथ्वी होती है इन दोनों पोजीशन में, तब क्या होता है, सूरज की किरणें 0 डिग्री पर लंबवत होती हैं, मतलब जो हमारा विषुवत रेखा है ना वहाँ पर किरणें लंबवत होती हैं, और इस ऋतु में इस समय हमारे यहाँ कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है दोस्तों। ओके, और एक किस समय होता है दोस्तों, ये देखिए ये मार्च के समय होता है ये पहली वाली स्टेज, और ये सितंबर के समय होती है दोस्तों। ओके, तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है, सारे सिर्फ 4 डेट हैं, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा दोस्तों। ओके, और इस वाले समय क्या होता है, मकर रेखा पर, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मकर रेखा पर इस समय लंबवत होती है, जो सूरज होता है वो मकर रेखा के इधर होता है, और इस समय कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है जो सूरज होता है, सूरज की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं दोस्तों। इसीलिए जो ये फर्स्ट स्टेज अगर हम इसको मान लें, तो इस समय क्या होगी, जो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और एक कौन सा समय होता है, ये जून का समय होता है दोस्तों। जैसे जून से इधर बढ़ते हैं हम सितंबर की ओर दोस्तों, तो क्या होता है, बसंत ऋतु आने लगती है, और इस समय जो सूरज होता है उसकी किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, फिर यहाँ से हम इस पर जाते हैं तब सूरज की किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, फिर इस पर फिर से जो पृथ्वी होती है वो उसके सूरज की किरणें फिर विषुवत रेखा पर फिर से लंबवत पड़ती हैं, फिर से ये दोबारा से ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, फिर से यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। तो हम इसको सेकंड स्टेज मान लेते हैं, इसको थर्ड स्टेज मान लेते हैं, और इसको फोर्थ स्टेज मान लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विषुव के समय कब कब होता है, ये देखिए ये सितंबर है और ये मार्च का समय है। ओके, तो देखिए ये 21 मार्च का समय है और ये सितंबर का समय है, और ये जून का समय है और इधर दिसंबर का समय है। तो आपको ध्यान रखना है, जब उत्तरी जब शीत ऋतु का मौसम होता है तब जो सूरज की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती हैं, तो वो मकर रेखा पर पड़ती हैं। इसी तरह जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो सूरज की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती हैं,
कर्क रेखा पर वो कौन सा समय होता है? जून का होता है। जैसे हम लोग जानते हैं जून जुलाई में हमारी छुट्टी पड़ती है, गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, तो उस वक्त सूरज होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है दोस्तों। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ध्रुवों के ऊपर इसी वक्त दोस्तों क्या होता है, इस वक्त यहाँ पर 6 महीने की रात होती है और यहाँ 6 महीने का दिन होता है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर फिर ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होगा, इधर 6 महीने की रात होगी दोस्तों। ओके और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया रखा है। और जो विषुव का जब वक्त होता है उसी वक्त दिन और रात का जो टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है दोस्तों। ओके तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ये मानचित्र वाला आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए वरना इसको एकदम छोड़ दीजिए। और इसमें कुछ खास आपको कुछ भी मिलेगा भी नहीं क्योंकि ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो मानचित्र वाला आपको ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है दोस्तों। और ये तो आपको देखना ही नहीं है कि कहाँ पर क्या कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको, क्योंकि ये हर जगह आपको अलग अलग मिलेंगे। अब जब आप मैपिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें आप देख लेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो लेसन 5 है और ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें बताया गया हमारे जो पर्यावरण है उसके 3 प्रमुख घटक होते हैं दोस्तों, एक भूमंडल और वायुमंडल और जलमंडल दोस्तों। ओके हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये जलमंडल हो गया दोस्तों, क्या हो गया जलमंडल। ओके दूसरे कलर से हम ले लेते हैं यहाँ पर ये वायुमंडल, इसको मान लेते हैं क्या वायुमंडल। ओके और तीसरे कलर से हम ले लेते हैं स्थलमंडल। ओके ये मान लेते हैं क्या है स्थलमंडल है दोस्तों। और जहाँ पर ये तीनों दोस्तों मिलते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो ये तीनों मिल रहे हैं, तो इसी को हम क्या कह देते हैं जैव मंडल कह देते हैं। क्या बोलते हैं जैव मंडल। तो अगर पूछा जाए जैव मंडल बड़ा है या जल मंडल या वायुमंडल, तो हम बोलेंगे कि जैव मंडल ही छोटा है। और ये सब कुछ किसके अंडर आता है पर्यावरण। तो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों पर्यावरण। ओके पर्यावरण सबसे बड़ा घटक है, इसके अंदर से ये सारे छोटे छोटे घटक आते हैं और जैव मंडल सबसे छोटा है इनमें दोस्तों। ओके अब दोस्तों हम यहाँ पर अगर इसका वर्गीकरण करके देखें तो हम भूमंडल से स्टार्ट करते हैं। तो भूमंडल में दो चीज़ें आती हैं क्या, एक आते हैं एक आता है महाद्वीप। ओके एक आता है महाद्वीप और दूसरा आता है महासागर। ओके इसी तरह दोस्तों स्थल मंडल जो जल मंडल होता है इसमें क्या आता है, एक समुद्र आता है। और क्या, और अन्य जल के स्रोत भी इसमें आते हैं, जैसे कि तालाब हो गया, नदियाँ हो गए, झील हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। वायुमंडल में कौन कौन से, जैसे वायुमंडल में हम सभी चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि वायु में जैसे सभी गैसें, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, इसके साथ में जितनी भी गैसें हो गई उसके अलावा धूल कण भी आते हैं दोस्तों इसमें। ओके तो धूल कण भी वायुमंडल में शामिल किए जाते हैं, बिना धूल कण और इनके वायुमंडल अकेले नहीं कह सकते, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि केवल वायु वायु से मिलकर के वायुमंडल बना होता है, इसमें और भी घटक शामिल होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे जैसे कि वायुमंडल की कौन कौन से परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल और बाहिर मंडल, इनकी बात करेंगे। और इसमें भी जैसे हम महाद्वीप हैं, महाद्वीपों में पर्वत पठार और नदी उद्योग की बात करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बताया गया है दोस्तों। ओके तो आप समझ गए कि पर्यावरण होता है, पर्यावरण के 3 घटक होते हैं और जहाँ पर तीनों घटक मिलते हैं तो वहाँ पर जैव मंडल का निर्माण होता है। यहीं पर क्या होता है दोस्तों जीवों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। ओके तो यही सब कुछ बताया गया है। और यहाँ पर देखिए मैप है काफ़ी अच्छे से, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये देखिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। ओके तो आपको ये सारे महाद्वीप हो गए। तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितने महाद्वीप हैं, तो ये सारे महाद्वीप हैं और ये महासागर, ये प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर। दोस्तों आप ये मत सोच रहे ये प्रशांत महासागर एक ए है और एक ए है, तो ये दो नहीं है दोस्तों। जब ये पृथ्वी को ऐसे मिलाएंगे ना ऐसे, क्योंकि ये हम पेज पर देख रहे हैं, तो अगर हम इसको रोल करेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे दोस्तों, ये एक ही हैं दोनों प्रशांत महासागर। ऐसा मत बोल देना दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि प्रशांत महासागर दो हैं दोस्तों। ओके इसी तरह ये अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, ये महासागर है और ऊपर ये
ये आर्टिक महासागर है दोस्तों। ओके, तो इस तरह आप देख सकते हैं। और आप, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत हमारा। तो आपको जल राशियाँ पता चल गई, कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर पठार हैं, सॉरी कहाँ पर कौन से महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप हैं और 3 बड़े महासागर हैं, सॉरी 3 नहीं 4 हैं, सॉरी अंटार्कटिक आर्टिक महासागर भी है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया रखा है। ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है दोस्तों जल संधि के बारे में। तो जल संधि किसे कहते हैं दोस्तों, पानी का वह सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। जैसे एक यहाँ पर जो जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, यहाँ पर कौन सी, पनामा है दोस्तों। ओके, यहाँ पर पनामा जल संधि है और पनामा नहर है, कैनाल है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से व्यापार किया जाता है, शिप को इधर से उधर लाया जाता है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक जल संधि है दोस्तों। ओके, तो जल संधि किसे कहते हैं, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि जो पानी का वह सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ता है, उससे जल संधि बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो ऐसे आपको स्थल संधि जिस तरह जो जल संधि होता है जो दो बड़े जल संधियों को जोड़ता है, तो उसे जल संधि कहते हैं। इसी तरह जो दो बड़े स्थल होते हैं ना, उनको आपस में जोड़ता है, तो उसे स्थल संधि कहते हैं दोस्तों। ओके, इसी तरह आपको यहाँ पर थोड़े आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, उदाहरण मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे। और यहाँ आपने पढ़ाई होगा कि ऐसे इसमें दिया रखा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। अब आपको दोस्तों बताना है एंडीज कहाँ पर है, ये उत्तरी में या दक्षिणी में दोस्तों। ओके, ऐसी आपकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में मिलेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर इस पर अगर आप ज़्यादा फोकस भी नहीं करते तो भी आप टेंशन ना लीजिए, जब भी आप मैप करेंगे या फिर जब आप नेक्स्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये और भी अच्छे से दिया रखा होगा। तो आप इसमें एक बार ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, और ये कौन सा प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, अंटार्कटिका है, और ये आर्कटिक महासागर है दोस्तों। ओके, और ये एशिया है और ये यूरोप है दोस्तों। आपको बताना है यूरोप और एशिया इन दोनों को कौन विभाजित करता है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो इन दोनों को विभाजित करती है, उस पर्वत श्रृंखला का आपको नाम बताना है दोस्तों। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें देखिए एक तुरंतित तटरेखा, इसमें एक बर्ड आया, ऐसा बर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेगा। तो तुरंतित तटरेखा उसे कहते हैं दोस्तों, जो आप समुद्र के किनारे जो तट होता है वो ऐसे कटा फिटा जितना ज़्यादा होगा, तो उसको ऐसे जो आपको जिगजैग दिख रहा है ना जो तट, इसी को तुरंतित तटरेखा बोलते हैं, दोस्तों। ओके, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको एक बार देख लेना है। ये देखिए एक यहाँ पर मैप दिया रखा है दोस्तों, ये आप इसमें देख सकते हैं। जैसे पहला है क्षोभ मंडल है, वायुमंडल में बताया गया है। जैसे दोस्तों ये क्षोभ मंडल है, फिर उसके बाद समता मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर कौन सा है, बाहिर मंडल है। और दोस्तों जो समता मंडल है इसी में ओजोन परत पाई जाती है, O3 पाई जाती है। और देखिए इसमें जो क्षोभ मंडल है उससे थोड़ा सा ऊपर जो एरोप्लेन दिखाया गया है, यानी कि एरोप्लेन इसमें उड़ते हैं। और देखिए जो क्या कहते हैं धूमकेतु हैं, वो यहाँ पर आकर के जलते हुए दिखाई दे रहे हैं समता मंडल और मध्य मंडल में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, देखिए सैटेलाइट को स्थापित किया गया, यानी कि आयन मंडल के ऊपर जो बाहर मंडल होता है उसमें सैटेलाइट्स को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है दोस्तों। ओके, तो इनसे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यात्री प्लेन होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया रखा हो सकता है क्षोभ मंडल, समता मंडल, तो आपको बताना होगा कहाँ उड़ते हैं। इसी तरह पूछा जा सकता है कि जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं, तो आपको बताना होगा कौन से मंडल में छोड़े जाते हैं दोस्तों। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों ये वायुमंडल हो गया, ये स्थल मंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया, और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं यहीं पर दोस्तों कौन सा जैव मंडल की उत्पत्ति होती है दोस्तों। ओके, इसको जैव मंडल बोलते हैं दोस्तों। ओके, और ये पूरा क्या है, ये दोस्तों पर्यावरण है दोस्तों। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें बताया गया है दोस्तों पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, जलवायु को कौन ज़्यादा प्रभावित करता है, वो भी हम आगे देखेंगे, शायद नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा।
ये देखिए पृथ्वी के स्थल स्वरूप। दोस्तों आपको एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नॉर्मली थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको ऐसे पढ़ें। जैसे कि नॉर्मली आप ही सोचिए कि पृथ्वी पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको खुद ही जवाब मिलने लगेगा। हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं, पठार देखने को मिलता है, पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, मैदान देखने को मिलता है, सहायक नदियाँ देखने को मिलती हैं। इसी तरह प्रायद्वीपीय जो स्थल स्वरूप होता है वो हमको देखने को मिलता है, जल संधि तट हमको देखने को मिलता है, और जल संधि और साथ में एक प्रायद्वीप देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें क्या होता है, डेल्टा किसे कहते हैं और समुद्र किसे कहते हैं, घाटी किसे कहते हैं। चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, द्वीप से स्टार्ट करते हैं। द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? एक छोटा सा स्थल खंड जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं दोस्तों। जल संधि अभी हम लोगों ने पढ़ाई था। तट दोस्तों, जहाँ पर महाद्वीप और महासागर मिलते हैं तो वहाँ पर तट का निर्माण होता है। लेकिन आपने नदी तट भी सुना होगा दोस्तों। इसी तरह नदी होती है और नदी का जो बहाव होता है, पानी बहता है, उसके किनारे जो ऊंची स्थलाकृतियाँ आपको दिखती है उसको तट बोलते हैं दोस्तों। ओके, प्रायद्वीप की बात आती है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखिए आप इसकी आकृति आप देखेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप उस भूखंड को कहते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है और जिसका एक भाग दोस्तों एक बड़े भूभाग से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसके तीनों ओर क्या होता है? जल होता है, और इसका एक जो छोटा सा भाग होता है वो किससे जुड़ा होता है? एक बड़े भूखंड से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। ओके, तो उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और इसी तरह नदी मुहाना किसे कहते हैं? जहाँ पर नदियाँ आकर के समुद्र में मिलती हैं उसे नदी मुहाना कहते हैं। और डेल्टा किसे कहते हैं दोस्तों? जब नदियाँ दोस्तों आकर के समुद्र में मिलती हैं तो वो कई भागों में बंट जाती हैं और यहाँ पर क्या करती हैं? वो अपना अवसाद जमा करने लगती हैं, मतलब जो अपने साथ कंकड़ पत्थर और जो भी बालू बालू लाती हैं वो यहाँ पर जमा कर देती हैं। तो एक ऐसी स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती है जिसको डेल्टा बोलते हैं दोस्तों। नदी तो हम जानते ही हैं, लेकिन सहायक नदी कौन सी होती है? जो मेन नदी होती है उसकी कई सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे गंगा है वो यमुना उसकी सहायक नदी है, बहुत सी उसकी सहायक नदी, जैसे सिंधु नदी में चेनाब हो गया, झेलम हो गया, ये सारी नदियाँ हैं वो उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदी कौन सी होती है? जो मुख्य नदी में आकर के मिल जाती है उसे सहायक नदी बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों पर्वत किसे बोलते हैं? पर्वत की बात आती है, पर्वत पठार और पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत दोस्तों एक ऐसी उठी हुई संरचना जो 600 मीटर से ज़्यादा हो और जो आधार जिसका चौड़ा हो और शिखर नुकीला हो, और ये कितना 600 मीटर से अधिक ऊंची होनी चाहिए दोस्तों। तो ऐसी स्थलाकृति को हम क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। और ऐसे जब बहुत सारे पर्वत होते हैं, जब ये बहुत सारे पर्वत मिलकर के एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो बहुत सारे जो पर्वतों की श्रृंखला होती है तो उसको पर्वत श्रृंखला का नाम दिया जाता है। और पठार क्या होता है दोस्तों? पर्वत और पठार में इतना ही अंतर होता है, ये भी एक ऊंची स्थलाकृति होती है लेकिन इसका आधार चौड़ा होता है और शिखर भी सपाट होता है, मतलब नुकीला नहीं होता है, ये नुकीला नहीं होता है, कैसा होता है? सपाट होता है मतलब। तो उसको हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, जैसे तिब्बत का पठार हो गया। घाटी क्या होता है दोस्तों? जब पर्वतों से नदी निकलती है तो वो क्या करती है? उसका कटाव करती है, कटाव करते करते क्या होता है? वो एक गहरी खाई बना देती है, उसी गहरी खाई को क्या कहते हैं दोस्तों? घाटी बोलते हैं। ओके, और मैदान किसे कहते हैं? यही नदियाँ जो पर्वतों से निकल रही हैं ये क्या करती हैं? अवसाद ला करके जमा कर देती हैं और एक समतल भूमि का निर्माण करती हैं। जो समतल भूमि होती है लगभग में उसे क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं दोस्तों। ओके, तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली हैं कि किसको क्या कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे अपरदन। अपरदन किसे कहते हैं? जब दोस्तों हवा के द्वारा या फिर जल के द्वारा या और किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जब चट्टाने टूट टूट कर छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं दोस्तों। ओके, इसी को क्या कहते हैं? अपरदन करते हैं, कहते हैं। ये देखिए, बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने टूटने की प्रक्रिया है और पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। और यही जब ये टूट फूट कर दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो इसको अनाच्छादन बोलते हैं दोस्तों। ओके, ऐसे इस हवा इसको या बहा ले जाए, बाढ़ आए तब इसको बहा ले जाए इन्हीं कंकड़ पत्थरों को, या फिर नदी एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाती तो इसको अनाच्छादन बोलते हैं दोस्तों। ओके,
और निक्षेपण किसे कहते हैं, जब इन्हीं जो कंकड़ पत्थरों का कहीं जाकर के डिपोजिशन हो जाता है, एक जगह जाकर के जम जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं दोस्तों। जैसे कि आप कोई मान लीजिए आप हो, आपने एक बहुत सारी मिट्टी उठाई और कहीं पर डाल दी, तो उसको क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे दोस्तों। ओके, और अपरदन किसे कहेंगे, जैसे आपने किसी चट्टान को तोड़ फोड़ दिया तो उसको निक्षेपण कहेंगे, और उसी जो भी जो आपने तोड़ा फोड़ा है उसको लेकर आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, अपरदन कहेंगे दोस्तों। ओके, अनाच्छादन कहेंगे, सॉरी। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पर्वत किसे कहते हैं, हिमानी किसे कहते हैं दोस्तों, हिमानी ये जो पर्वत होते हैं उन पे बड़ी बड़ी बर्फ़ की परतें होती हैं, उन्हीं परतों को हिमानी बोलते हैं दोस्तों। और ये ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा ध्रुवों पे पाई जाती हैं, उसके बाद ये पर्वतों के ऊपर पाई जाती हैं दोस्तों। ओके, इन्हीं को हिमानी कहते हैं। जैसे अब पर्वत के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बलित पर्वत, जैसे हमारा हिमालय है दोस्तों, ये बलित पर्वत है, एंडीज है, ये बलित पर्वत है। तो ये बलित पर्वत आखिर होता क्या है दोस्तों, जब दो कोई भी भूखंड होते हैं दोस्तों, वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, इनकी गति होती है, तब इनके टकराने से क्या होता है, एक भूखंड होता है वो ऐसे ऐसे उठने लगता है दोस्तों। ओके, एक नीचे जाता है तो ये उठा हुआ जो भाग होता है दोस्तों, इनमें क्या होता है, बलेन पड़ने लगता है, मतलब ये ऐसे बलेन पड़ जाता है। तो इसीलिए इसी को क्या बोल देते हैं, उठे हुए भाग को पर्वत बोल देते हैं, और बलेन के कारण इसको बलित पर्वत का नाम दिया गया है दोस्तों। देखिए, इसमें संपीडन बल के कारण इन बलित पर्वतों का निर्माण होता है। कौन से बल के कारण, संपीडन बल। और ये क्यों लगता है, जब दो भूभाग होते हैं या चट्टाने होती हैं जो आपस में मिलती हैं दोस्तों। ओके, जैसे कि जो भारतीय महाद्वीप है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के आपस में संपीडन के कारण जो हमारा हिमालय पर्वत है इसका निर्माण हुआ। इसी तरह जो एंडीज पर्वत है दोस्तों, वो अमेरिका जो है और प्रशांत महासागर की जो प्लेटें हैं उनके आपस में संपीडन बल के कारण एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ दोस्तों। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये चट्टाने होती हैं, ये टूटकर ऊपर नीचे भी जाती रहती हैं। ओके, यही जो चट्टाने, जैसे मान लेते हैं ये चट्टान स्थिर है, ओके, ये चट्टान भी स्थिर है, लेकिन ये चट्टान क्या हो गई, नीचे चली गई। ओके, तो इसको क्या बोल देंगे, ये घाटी हो गई दोस्तों। ओके, कौन सी घाटी, ये भ्रंशन घाटी हो गई। और क्योंकि ये वाला चट्टान थी, ये कौन सी थी, ये स्थिर थी दोस्तों, और ये चट्टान नीचे चली गई। ओके, ये दोनों चट्टाने कहाँ चली गई, नीचे। मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ, ये चट्टान नीचे चली गई, ये चट्टान नीचे चली गई, लेकिन ये अपनी जगह पर ही रही। तो इसको क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, इसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। ओके, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। लेकिन क्या हो दोस्तों, दूसरी कंडीशन में ए है दोस्तों, मान लेते हैं ए बराबर रहे, दोस्तों ये देखिए बराबर रहे, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, और इधर की चट्टान है इसमें भी कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन ये चट्टान है ना दोस्तों, ये ऊपर चली जाए। ओके, ये अगर ऊपर चली जाए तो क्या होगा, तब भी एक ऐसी आकृति का निर्माण होगा जिससे क्या कहेंगे, तो इसके लिए बोलते हैं दोस्तों हॉर्स पर्वत। ओके, इसको ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि जैसे राइन घाटी है और बॉसिस पर्वत, इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है दोस्तों। जो राइन घाटी है दोस्तों, वो कौन सी है, वो भ्रंशन घाटी है दोस्तों। ओके, ये द्रोणिका वाली। ओके, और जो बॉसिस पर्वत है वो कौन सा है, हॉर्स पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। ओके, अब ज्वालामुखी की बात आती है, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण, जैसे देखिए दोस्तों ये ज्वालामुखी है, जब यहाँ से लावा निकलता है और वो जम जाता है और ऐसी आकृति बन जाती है, तो ये कैसी दिख रही है दोस्तों, पर्वत के समान दिख रही है। तो इसके लिए क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बोल देते हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये मैग्मा है यहाँ पर। अब यही मैग्मा जब ऊपर परतें तोड़ते हुए आता है तो वो क्या बन जाता है, लावा, यानी कि जो अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैग्मा बोलते हैं दोस्तों। ओके, और जो ऊपर एक बार जब इसमें विस्फोट होकर के जब ये ऊपर आ जाता है, ऊपर बहने लगता है,
तो इसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं दोस्तों। ओके, वैसे तो इसकी जो प्रकृति है वो समान ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लावा का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। इसमें गैसों की मात्रा ज़्यादा होती है, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसमें गैसों और जलवाष्प की मात्रा कम होती है क्योंकि वो वायुमंडल में निकल जाती है, इसलिए इसको मैग्मा बोलते हैं और लावा बोलते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं दोस्तों। ओके, अब इसमें आप इनमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, वो हम जब नेक्स्ट NCERT पढ़ेंगे उसमें काफ़ी डीप में दिया रखा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो आप ऐसी इसको एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाना दोस्तों। अब इसी तरह देखिए पठार का एक आपको उदाहरण मिलेगा कि कहाँ कहाँ पर है, आप इन्हीं लोकेशन को आपको लोकेट करना है मैप पर, जो भी इसमें लोकेशन दे रखी है वो सारी लोकेशन को आपको लोकेट करना है दोस्तों। ओके, अब देखिए इसमें मैदान है, मैदान के बारे में थोड़ा बताया गया, इसको भी आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। और इसमें ये इसको ना पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है जलवायु एवं वनस्पति और वन्य प्राणी। ओके, अब यहाँ पर दिया रखा है एक मौसम, तो मौसम किसे कहते हैं दोस्तों, जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। यानी कि मौसम एक अल्प अवधि का होता है, कम समय में जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं जिसमें अपने वातावरण का एक सीमित क्षेत्र में तापमान, वर्षा और सूर्य की विकिरण का अध्ययन करते हैं तब हम उसे मौसम कहते हैं। लेकिन जब यही मौसम का हम लंबे समय तक अध्ययन करते हैं दोस्तों, तब यही इसी का जो औसत होता है, मौसम का औसत होता है लंबे समय का, उसी को हम जलवायु बोल देते हैं दोस्तों। ओके, तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, जो मौसम होता है दोस्तों ये सीमित क्षेत्र में होता है, कम क्षेत्र में होता है और एक कम समय के लिए परिवर्तन को दर्शाता है। लेकिन जलवायु होती है ये विस्तृत क्षेत्र में हो सकती है, और दूसरा ये लंबी अवधि में मौसम का औसत होता है दोस्तों। ओके, तो जलवायु और मौसम में इतना ही डिफरेंस है कि मौसम जैसे हम बोलते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हैं आज जलवायु बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं बोलते ना दोस्तों, हम बोलते हैं आज का मौसम बहुत अच्छा है यार। अब शाम को बोलते हैं कि अरे यार मौसम काफ़ी बेकार हो गया, गर्मी होने लगी, उमस होने लगी। जब सुबह होती तो कहते हैं यार मौसम बहुत अच्छा है अभी का। तो मौसम एक अल्पकालीन होता है और सीमित क्षेत्र में होता है, हो सकता है यहाँ पर मौसम अच्छा हो और देहरादून में हो सकता है वो थोड़ा सा मौसम बेकार हो, ठंडी हो, लेकिन इधर अच्छा मौसम है दोस्तों। ओके, तो मौसम एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन जो जलवायु होती है वो विस्तृत, जैसे हम ऐसे बोलते हैं दोस्तों कि भारत की जलवायु कैसी है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं दोस्तों कि भारत का मौसम कैसा है। ओके, तो जब हम विस्तृत क्षेत्र की बात करते हैं तो हम जलवायु की बात करते हैं, और जलवायु एक लंबी अवधि होती है दोस्तों। ओके, अब इसमें देखिए शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया। शीत ऋतु हम जानते हैं ठंड के मौसम को शीत ऋतु कहते हैं, और यहाँ पर सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु क्या होता है दोस्तों, ये गर्मी का मौसम होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और जो पवन होती है वो शुष्क होती है, जिसके कारण और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है दोस्तों। ओके, अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा दोस्तों। ओके, जब दोस्तों जो सूर्य है इसका उत्तरायण होता है, ओके, उत्तरायण के समय ही क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर व्यापारिक पवने होती हैं, जो व्यापारिक पवने ये 0 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ से जो व्यापारिक पवने चलती हैं दोस्तों, यही पवने जब विषुवत रेखा पार कर जाती हैं, यही आकर के मानसूनी पवने बन जाती हैं, और ये आर्द्र होती हैं, इसी के कारण भारत में क्या होती है, बारिश होती है। इसी को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी कि ये किधर से आ रहा है, दक्षिण और पश्चिम से। ये देखिए जैसे ये दोस्तों ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये देखिए कहाँ से आ रही हैं, ये देखिए इस टाइप से आ रही हैं, ये कौन सा हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये ऐसे आ रही हैं दोस्तों, तो ये किसके बीच से आ रही हैं, यहाँ से, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। ओके, तो ये भारत में इसी के कारण काफ़ी वर्षा होती है, और इसी के कारण हमारी ये जो जलवायु है वो औरों से अलग है दोस्तों। और फिर इसके बाद होता है सर्दी के मौसम में मौसम के लौटने के कारण बारिश होती है, जब मौसम ये लौटता है तभी बारिश होती है, और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बारिश लौटते हुए मानसून के द्वारा ही होती है दोस्तों। ओके, अब जो जलवायु को प्रभावित सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, जैसे स्थिति, ऐसे ऊंचाई, समुद्र से दूरी,
और उच्चावच, ये सारी चीज़ें हैं जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे कि हमारे हिमालय पर्वत होने के कारण ही हमारे यहाँ ठंड का जो ठंड है वो कम पड़ती है, और हिमालय पर्वत के कारण ही हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, अधिक बारिश होती है। जो आर्द्र वायु है वो यूरोप के इधर या एशिया में नहीं जा पाती है दोस्तों, चीन के इधर नहीं जा पाती है, चीन से इधर ही रह जाती है, इससे बारिश ज़्यादा होती है। इसी तरह जो समुद्र से जितनी ज़्यादा दूर होती है उसकी क्या होती है दोस्तों, बारिश की मात्रा कम होती जाती है। जितना समुद्र से कम पास में होते हैं वहाँ की जो जलवायु होती है वो अलग होती है दोस्तों। ओके, तो उच्चावच, ऊंचाई, जैसे कि आप ऊंचाई में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे दोस्तों पर्वतों के ऊपर, तो क्या होता है टेम्परेचर में कमी आती है, टेम्परेचर में कमी आती है और बारिश की मात्रा में, वर्षा की मात्रा में भी साथ में क्या होती है, कमी आती है दोस्तों। ओके, और इसी इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, जो वनस्पति होती है उसकी मात्रा में भी कमी आती है, सघनता में भी कमी आती है। आप जैसे पर्वतों के नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वृक्ष मिलेंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको पर्वतीय वृक्ष मिलने लगेंगे, शंकुधारी वन मिलने लगेंगे, और ऊपर ज़्यादा चले जाएंगे तो आपको टुंड्रा टाइप के आपको वन मिलने लगेंगे दोस्तों, और इनकी सघनता भी कम होने लगती है ऊपर जाकर, क्योंकि वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है और पानी भी कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है दोस्तों। ओके, काफ़ी कम रहता है टेम्परेचर, तो इस कारण। तो अगर पूछा जाए जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में कौन कौन से, तो तापमान, स्थिति जैसे अक्षांश, देशांतर दोस्तों, ऊंचाई और समुद्र से दूरी, और उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है जैसे दोस्तों कोई, जैसे कि जितना ऊपर नीचे है ना, तो दोस्तों तो ऐसे स्थलखंड को क्या बोलते हैं, उच्चावच। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, जैसे कि इसमें पहला है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन जहाँ पर 250 सेंटीमीटर बारिश होती है लगभग में, वहाँ पर ही पाए जाते हैं, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर भी बारिश होगी दोस्तों वहाँ पर ही उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। और दोस्तों इसकी खास बात क्या होती है, ये इनको दोस्तों सदाबहार वन भी बोला जाता है। क्या? सदाबहार वन भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियाँ वर्ष भर नहीं झड़ती हैं दोस्तों। ओके, ऐसा नहीं होता है कि सारी पत्तियाँ इनके झड़ जाती हैं, हमेशा इनमें पत्तियाँ रहती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी बोलते हैं। और दूसरा क्या दोस्तों, ये कठोर होते हैं काफ़ी, और ये काफ़ी लंबे होते हैं, और यहाँ पर तापमान अधिक होता है दोस्तों। ओके, तापमान और वर्षा जहाँ पर अधिक होगी वहाँ पर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेंगे। और इनके उदाहरण हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि महोगनी हो गया, ये बोनी और रोजवुड हो गया, ये सारे इसके उदाहरण हैं दोस्तों। इसी तरह जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं यहाँ पर, जो 200 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में जहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ये वाले वन आपको देखने को मिलेंगे। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी टेम्परेचर दोस्तों अधिक रहता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वर्ष में एक बार ही अपनी पत्तियाँ पूरी झाड़ देते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ अधिकांश उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब होली का टाइम आता है उस वक्त पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि अब पेड़ नए कपड़े पहन रहे हैं, तो उस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ओके, तो सबसे ज़्यादा भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होता है दोस्तों, इनकी लकड़ियाँ काफ़ी कठोर होती हैं और ये काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, इनकी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों। ओके, इनके उदाहरण हैं आप देख सकते हैं, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, और शीशम हो गया, साल हो गया। और ये रीज़न इसमें बताया गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेंगे आपको। इसी तरह जो जो कटीली झाड़ियाँ होती है, जहाँ पर दोस्तों कटीली झाड़ियाँ वहाँ आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर वर्षा होगी, वो 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर आपको बारिश होगी वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, ये मरुस्थली क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी दोस्तों। ओके, तो कटीली झाड़ियाँ वहाँ आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर टेम्परेचर भी उच्च रहता है। यहाँ पर ये दिया रखा है, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढालों पर, गुजरात, और इनमें पाई जाती हैं दोस्तों। ओके, इसमें जैसे कैक्टस हो गया, खैर, बबूल और कीकर, ये पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ओके, इनमें काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं, ये देखिए कटीली झाड़ियाँ होती है, जो मरुस्थली क्षेत्र होता है जहाँ पर 225 सेंटीमीटर से जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर आपको कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। पर्वतीय आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों,
जैसे जैसे आप पर्वत में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको शंकुधारी वन, टुंडा वन और ये सारी आपको देखने को मिलेगी। इनका आकार कुछ ऐसा होता है नोकदार, ओके, देवदार पेड़ की तरह होता है दोस्तों, ओके। जितने ऊपर जाएंगे वहां पर आपको ज़्यादा नुकीली आपको ये पेड़ की साइज देखने को मिलेगा। और देखिए मैंग्रोव वन वो होता है जो ये दलदली भूमियों में होता है और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। जैसे सुंदरबन है ना दोस्तों, वो मैंग्रोव का बहुत अच्छा उदाहरण है, और सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है ना, वो मैंग्रोव वन से ही घिरा हुआ है दोस्तों, ओके। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाएंगे, पाए जाएंगे जो जो समुद्री किनारे जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये खारे पानी में पाए जाते हैं, देखिए ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इसी प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है दोस्तों, ओके। अब वनों की आवश्यकता है, जैसे ये तो आप भी बता सकते हैं वन हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। इनसे हम जड़ी बूटी, शहद, गोंद, ऐसी चीज़ें, लकड़ी और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी में उर्वरता को बनाए रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ये क्या कहते हैं जो जानवर होते हैं उनके लिए प्राकृतिक आवास का काम करते हैं दोस्तों, ओके। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैप के थ्रू दिखाया गया है कि हमारे जो वृक्ष हैं वो क्या क्या करते हैं। नंबर एक, ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। दूसरा, दवाइयाँ, आश्रय हम घर बनाते हैं पेड़ों की लकड़ियों से। चारा हमें पेड़ पौधे देते हैं, जो हमारी वनस्पति होती है वहाँ से ही हम चारा प्राप्त करते हैं। ईंधन प्राप्त करते हैं और खेल के सामान बनाते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। और शहद वहद हमें जंगलों से वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो मधुमक्खी शहद कहाँ से लेके आएंगे। और फल हो गए, इसी तरह गोंद, लाख हो गया, और हमें जो भी प्राकृतिक निवास के जीव होते हैं वो, और इमारती लकड़ी, रबर, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ से ही प्राप्त होती हैं दोस्तों, ओके। तो इसी तरह आप यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, कटिंग दे रखी है ये न्यूज़ की, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बच्चों के पर्पज़ से बनाई गई है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर राज दिए रखे हैं, राज्य दिए रखे हैं और उनकी राजधानी दी रखी है, इनको आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें ये अपडेट नहीं है तो आप लोग अपडेट कर लेना दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर को भी अब क्या कहते हैं अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। और आंध्र तेलंगाना है दोस्तों, वो भी इसमें ऐड नहीं है क्योंकि वो बाद में बना था।